मिलिए भारत के हिमवीरों से। मिलिए उनसे जिन्होंने चीन की चालबाजी को कई बार सर्द मौत दी है। मिलिए उनसे जो हिमालय के प्रहरी कहलाते हैं। मिलिए आईटीबीपी से। भारत तिब्बत सीमा पर तैनात भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस भारत की 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। भारत चीन संघर्ष के बाद देश की उत्तरी सीमाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 24 अक्टूबर 1962 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का गठन किया गया था। आईटीबीपी का मुख्य कार्य भारत तिब्बत सीमा की सुरक्षा और रखवाली करना है और सीमा पर रहने वाली जनता को सुरक्षा की भावना का एहसास कराना है। आईटीबीपी ने 1965 में भारत पाक संघर्ष में हिस्सा लिया, साथ ही पाकिस्तानी घुसपैठियों और सैनिक बलों को समाप्त करने के लिए तलाशी अभियान को भी अंजाम दिया और प्रमुख प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान की। साथ ही 1971 के युद्ध में इसकी 2 पलटनों ने श्रीनगर और पुंछ क्षेत्र में घुसपैठियों के कई ठिकानों की पहचान की और उन्हें नष्ट करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आईटीबीपी के जवान काराकोरम दर्रे से लेकर अरुणाचल प्रदेश में दिफुला और भारत नेपाल चीन तक 2995 किलोमीटर की लंबाई पर फैली सीमा की रक्षा करता है। आईटीबीपी कमांडो यूनिट्स अफगानिस्तान में भारत के दूतावास और वाणिज्य दूतावासों की सुरक्षा के लिए भी तैनात है। इसके अलावा आईटीबीपी की 2 कंपनियां अफगानिस्तान में निर्माण परियोजना के लिए बीआरओ कर्मियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। शुरुआत में आईटीबीपी की स्थापना के समय उसमें केवल 4 पलटन थी, जो कि अब 45 हो चुकी हैं। वर्तमान समय में आईटीबीपी के 50,000 जवान चीन से लगे लगभग 3,490 किलोमीटर की सीमा की रक्षा करते हैं। इतना ही नहीं, आईटीबीपी में झांसी की रानी नाम से देश की पहली फीमेल स्नाइपर यूनिट भी है, जो माना घाटी की रक्षा करती है। आईटीबीपी के जवानों की तैनाती देश के बहुत ही दुर्गम जगहों पर भी होती है। इन जवानों की तैनाती 9,000 से 18,700 फीट की ऊंचाई के बीच होती है। साथ ही 3,488 किलोमीटर लंबे पर्वत क्षेत्र, जहां कहीं सर्दी होती है तो कहीं 45 डिग्री की चिलचिलाती धूप, कहीं दुर्गम गड्ढे तो कहीं अताह घाटियां, कहीं ग्लेशियर तो कहीं पथरीले ढाल, लेकिन ये तैनात रहते हैं देश की सुरक्षा में निडर एवं निर्भीक। एक आईटीबीपी का जवान अपने सेवाकाल का ज्यादातर समय बहुत ही दुर्गम जगहों पर बिताता है। वो तैनात रहते हैं हमारे लिए, हमारी सुरक्षा में, ताकि हम देश के अंदर चैन से रह सकें, चैन की नींद सो सकें और खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें।